global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. पहले तो सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, न्यू ईयर की शुभकामनाएं। ये दिवाली कुछ अलग सी रही है कोविड की वजह से, तो आई होप सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मास्क, ग्लव्स वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये मैसेज देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हो सेट पर भी जहाँ हम शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सभी मास्क पहन रहे हैं अपने, सैनिटाइजेशन बार बार ही हो रही है। तो अनुभव अच्छा रहा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो गया, अभी ये चीज़ें नॉर्मल हो गई है, तो अच्छा लगा है। और मैं सभी को, आहूजा ग्रुप को बधाई देती हूँ, बहुत शुभ अवसर पे उन्होंने अपने ब्रांड का लॉन्च किया है। और अगरबत्ती जैसी चीज़ जो घर घर में जलती है, तो उनकी रेंज बहुत ही खूबसूरत है, फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी है, तो आई एम वेरी प्राउड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर। तुम क्या मायने रखता आपके लिए जब कोई अप्रोच करता है आपको ऐड करने के लिए, तो व्हाट आर द थिंग्स यू लुक फॉर डूइंग एन ऐड? वेल, क्वालिटी, द प्रोडक्ट दैट आई एम एंडोर्सिंग, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कल्चर में ऐसा हर
घर का कोना नहीं है जहाँ हम अगरबत्ती नहीं जलाते, ऑफिस जाओ तो वहाँ अगरबत्ती जलती है, शूटिंग के सेट पे जाओ तो वहाँ जलती है. अगरबत्ती इज सच एन एसेंशियल एवरीडे आइटम, इट्स नॉट इवन अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. तो आई एम वेरी प्राउड टू एंडोर्स समथिंग लाइक दैट. डू यू थिंक द सक्सेस ऑफ द ब्रांड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज और द सेलिब्रिटी? आई थिंक द सक्सेस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ इटसेल्फ, राइट? आई डोंट थिंक, यस, अ नाइस फेस डेफिनेटली हेल्प्स द अवेयरनेस. अ सेलिब्रिटी विल हेल्प द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर प्रोडक्ट. इफ द प्रोडक्ट इज फॉल्टी, नो मैटर who endorses it, you know, your product's not going to sell. So the brand itself is so good, you know, the agarbatti quality is so good, the fragrance is so good, that me and the brand complement each other. Okay, thank you. Be safe, everybody. You too. Namaskar, main Mohan Ahuja, Ahuja Agarbatti ka, Ahuja Agarbatti se. मैनेजिंग डायरेक्टर. आपका नाम क्या? नमस्कार, मैं अमित आहूजा, आहूजा अगरबत्ती का डायरेक्टर हूँ. हमारा जो ब्रांड है वो 1978 से बहुत पुराना, काफ़ी पुराना ब्रांड है. और आज बहुत खुशी का दिन है कि अमीषा पटेल ने हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनी, और मैं बहुत हैप्पी हूँ. और आप सभी लोग को भी थैंकफुल करना चाहता हूँ कि क्योंकि एक आपके थ्रू एक सोसाइटी को बहुत बड़ा मैसेज पहुँचेगा आहूजा अगरबत्ती का, और इसीलिए मैं आज बहुत हैप्पी हूँ. सो हैप्पी एंड थैंक्स. मैं गिरीश चंदवानी, हमारा आज अमीषा पटेल ब्रांड एम्बेसडर बनी, आज हमारी बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, बहुत बढ़िया. नमस्कार, मैं गोविंदा, मैं आहूजा ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम सक्सेस किया. सर, आप बताइए प्रोडक्ट के बारे में, बताइए किस तरह का प्रोडक्ट है, थोड़ा वो अलग क्या है मार्केट में और भी अगरबत्तियाँ हैं. सर, हमारे प्रोडक्ट की खासियत है कि हमारे बड़े प्रोडक्ट काफ़ी चलते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, परफ्यूम के साथ क्वांटिटी. और कभी भी आप मार्केट से अगरबत्ती परचेज करते हैं तो सबसे पहले क्वांटिटी देखिए कि अगरबत्ती की क्वांटिटी कितनी है. हमारा 500 ग्राम वाला जो है वो नेशनल लेवल पे काफ़ी चलता ब्रांड है और बहुत अच्छा है. और हमारी खासियत ये है कि हमारे पहले फूल्स के और चंदन वगैरह चलता था, लेकिन आजकल जो हमारे फ्रूट फ्लेवर्स हैं जैसे पाइनएप्पल, केसर चंदन और आपका फ्रेश चेरी, ग्रीन एप्पल, इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी हमारे मार्केट में चल रहे हैं. फ्रूट फ्लेवर्स में हमारी पहली कंपनी है जो कि लॉन्च की है. आज 7 साल से फ्रूट फ्लेवर्स हमारे मार्केट में चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है. और मैं कहना चाहूँगा कि एक बार मार्केट से जरूर परचेस करें, हर जगह अवेलेबल है हमारे बहुत. और मनीषा जी को लेने का क्या कुछ खास वजह रही है कि एक बहुत बड़ा ड्रीम था जब कहो ना प्यार है मूवी आई थी, तो उस समय जो उनकी फेस वैल्यू थी उस समय तो मैं काफ़ी छोटा रहता था. तब से ही मेरा ड्रीम था कि जब भी मेरी कंपनी इस लेवल पर आएगी तो मैं अमीषा पटेल जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा. वो आज मेरा आज सपना. लेकिन कितनी खुशी हो ना, खास करके बहुत खुशी हूँ कि मैं आहूजा ग्रुप और आहूजा अगरबत्ती के साथ में एसोसिएट हो गया हूँ और एक फैमिली का फील कर रहा हूँ. बिकॉज इट डेफिनेटली ये लोग जो है बहुत ही फैमिली फील करवाने वाले हैं. और सेट में जितने भी लोग हैं सबको आप पूछ सकते हो कि भाई क्या मजा है. सही बात है सर, बिल्कुल. ओके, राकेश भाई, थीम क्या थी, थीम के बारे में थोड़ा सा? थीम ये है कि अगरबत्ती जो है ये इतनी जादूगर अगरबत्ती है आहूजा अगरबत्ती की, इनकी खुशबू से मनोकामना पूरी हो जाती है. तो जिसने भी इसकी खुशबू सूंघी उसको जो चाहिए मिल जाएगा. आपको चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर ही बन जाओगे. तो ये अगरबत्ती का जादू है जो है आहूजा अगरबत्ती. तो जब अमीषा को आपने सुनाया था, नरेशन जब दिया था, तो क्या रिएक्शन था उनका? यस, मैम बहुत खुश थी. मैम ने कहा वेरी गुड, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी. एक तो ये धार्मिक काम है, अगरबत्ती जो है हर धार्मिक में हमें यूज़ करना होता है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत खुश हुई थी मैम. और मैम ने खुद अपने भाई पे बोल चुकी है कि वो किस तरह से खुश थी. तो डांस भी इसमें देखने मिलेगा कि? सर, डांस जो है वो जल्दी मिलेगा, बिकॉज मैं खुद भी एक डांस कोरियोग्राफर भी हूँ. मैंने बहुत ही स्टारों को नचाया है, पर मैं इवेंट्स ज़्यादा करता हूँ. शाहरुख हो, सलमान हो, आप मुझे देखेंगे तो पहचान जाएंगे. गोविंदा जी का मैं खास कोरियोग्राफर हूँ. गोविंदा जी का कोई भी काम होता है मैं ही करता हूँ. लॉलीपॉप आती क्या खंडाला, हाँ, अंकित नंबर 1 मैंने कोरियोग्राफ किया है गोविंदा जी के साथ. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.